मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के अंदर आने वाली टॉप 10 बेस्ट चेंजेस के बारे में। अरे सर क्या बात है, क्योंकि भाई जो हमारा फ्री फायर का जो एडवांस सर्वर था वो फाइनली बंद हो चुका है, और ऐसे में जो अपना फ्री फायर का अपडेट है वो यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया है। और 16 नवम्बर को अपना फ्री फायर का अपडेट आएगा, यानी OB37 का अपन को अपने फ्री फायर का अपडेट देखने को मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इस प्रकार से उस अपडेट के बाद में अपने फ्री फायर के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया चेंजेस आने वाली है। उन चेंजेस को मैं इस वाले वीडियो में बताने वाला हूं, और ये वाली चेंजेस अपनी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार अपने फ्री फायर के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि इस बार अपने फ्री फायर के अंदर एक ऐसा फीस्ट आने वाला है जो यहां पर ईवो गन की तरह काम करेगा, यानी कि इस वाले फीस्ट को भी अपग्रेड करने के लिए आपको ईवो टोकन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसी के साथ में अपन को इस वाले अपडेट में न्यू गन, न्यू पेट, और उसी के साथ में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए भाई आपको ये वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2000 years later. चेंजेस नंबर 1। तो भाई चेंजेस नंबर 1 पे मैं आपको बताने वाला हूँ लॉन वॉल्फ चेंजेस के बारे में। अभी तक अपने फ्री फायर के अंदर जो लॉन वॉल्फ खेला जाता था वो सिर्फ एक ही मैप के अंदर खेला जाता था, लेकिन जब अपने फ्री फायर के अंदर OB37 का अपडेट आ जाएगा उसके बाद में अपन को एक डिफरेंट मैप देखने को मिलेगा जिसके अंदर अपन लॉन वॉल्फ को खेल सकते हैं। इस वाले मैप का नाम है आइस ग्राउंड, और ये वाला मैप भाई पूरी तरह से एक बर्फीला मतलब ग्राउंड है, और इसके अंदर अपन को चारों तरफ बर्फ देखने को मिलेगी, और इसके अंदर अपन को लॉन वॉल्फ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये वाला मैप भाई अपन को एकदम पहली बार देखने को मिलेगा। कभी कभार आपने देखा होगा कि अपने फ्री फायर के अंदर इस प्रकार की लॉबी वगैरह अपन को देखने को मिलती थी, लेकिन अब अपन को इस प्रकार का कोई एक बहुत ही बढ़िया मैप देखने को मिल रहा है। चेंजेस नंबर 2। तो भाई चेंजेस नंबर 2 पे मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूं। तो इधर आप यहां पर मेरे हाथ में एक कटाना देख पा रहे होगे, लेकिन अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा, तो आप इधर देखोगे कि ये वाली कटाना एकदम नॉर्मल स्टाइल में चल रही है। कैसा लगा मेरा मजा? लेकिन फ्री फायर के अपडेट के बाद में अपन को ये वाली कटाना ऐसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब अपने फ्री फायर के अंदर OB37 का अपडेट आ जाएगा उसके बाद में अपनी कटाना कुछ इस प्रकार की चलने वाली है। तो इधर आप यहां पर देख सकते हो भाई कटाना कैसी चल रही है, मुझे तो काफी ज्यादा हंसी आ रही है। और इधर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि जैसे मैं यहां पर मतलब बात करूंगा कि कटाना को चला रहा हूं, उसी के साथ में मेरा करेक्टर भी मूव कर रहा है, यानी कि अब क्या होगा कि जब अपने फ्री फायर के अंदर अपडेट आ जाएगा जैसे ही आप कटाना को चलाओगे वैसे ही आपका करेक्टर ऑटोमेटिकली मूव करेगा। तो इस प्रकार से फ्री फायर के अपडेट के बाद में कटाना का स्टाइल चेंज हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली चेंजेस पसंद आई होगी। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? चेंजेस नंबर 3। तो वही चेंजेस नंबर 3 पे मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रीटमेंट गन चेंजेस के बारे में। अभी के टाइम में जब अपन ट्रीटमेंट गन को चलाते हैं तो उसका जो एम आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है, मतलब यहाँ पर बात करेंगे तो सर्कल में आता है, लेकिन जब अपने फ्री फायर के अंदर अपडेट आ जाएगा उसके बाद में जो अपने ट्रीटमेंट गन का एम होगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मतलब बीच में एक प्लस का चिन्ह आएगा, और इस तरह से पूरा जो एम है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। चेंजेस नंबर 4। तो चेंजेस नंबर 4 पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी के टाइम में जब अपने फ्री फायर के अंदर अपडेट नहीं आया उस टाइम पे अपन यहाँ पर सीएस वगैरह खेलते हैं, तो अपन सीएस वगैरह में सिर्फ 3 ग्लू बॉल को ही ले सकते हैं, लेकिन जब अपने फ्री फायर के अंदर अपडेट आ जाएगा उसके बाद में अपन यहाँ पर 6 ग्लू बॉल को ले पाएंगे। ये क्या बात करता है यार? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको क्लास स्क्वाड या फिर क्लास स्क्वाड रैंकड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको नीचे लोड आउट का यहाँ पर मतलब ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको जो पॉकेट वाला ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करके रख लेना है, यानी कि अगर आपको एक पॉकेट दिख रही होगी तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ये वाली पॉकेट नहीं है तो आप यहाँ पर स्टोर सेक्शन के अंदर से परचेज कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अपना मैच है उसको स्टार्ट कर देना है। जैसे आपका मैच स्टार्ट होगा और उधर यहाँ पर परचेज का ऑप्शन आएगा तो उधर आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी जो जगह है मतलब 3 ग्लू बॉल की जो जगह थी वो अब 6 ग्लू बॉल में बदल चुकी है, और इधर आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आसानी यानी कि बहुत ही आसानी के साथ में आप यहाँ पर 6 ग्लू बॉल को परचेज कर पाओगे। तो ये वाली चेंजेस अपनी फ्री फायर की बहुत ही बड़ी चेंजेस होने वाली, जो कि सच में कमाल की बात है। चेंजेस नंबर 5। तो चेंजेस नंबर 5 पे मैं आपको बताने वाला हूँ रडार प्लान एनिमेशन के बारे में। अभी के टाइम में अपना जो प्लान का एनिमेशन है वो थोड़ा डिफरेंट सा है, लेकिन जब अपने फ्री फायर के अंदर अपडेट आ जाएगा उसके बाद में अपन को कुछ डिफरेंट टाइप का प्लान एनिमेशन देखने को मिलेगा। वैसे ये वाली चेंजेस उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार मुझे थोड़ी मतलब अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इधर आपको मैप ओपन करना है, तो मैप के अंदर आप देखोगे जब आप यहाँ पर प्लान में बैठोगे तो आप जैसे मैप के अंदर जाओगे तो आपका जो प्लान होगा जो चलता हुआ फिरता हुआ दिखता है तो वो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको एक येलो लाइन दिखेगी जो कि सच में बहुत ही बढ़िया लग रही है। चेंजेस नंबर 6। तो वही चेंजेस नंबर 6 पे मैं आपको बताने वाला हूँ अपने फ्री फायर के एकदम न्यू पेट के बारे में, जिसका नाम है R1। और ये वाला पेट अपने फ्री फायर का बहुत ही बढ़िया पेट होने वाला है, और इस वाले पेट के बारे में बात करेंगे तो ये वाला पेट तो आप देख ही पा रहे होगे कि ये वाला पेट अपन को एकदम भाई डायनासोर की तरह लग रहा है।
जैसा भाई इस वाले पेट का लुक है वैसे इस वाले पेट की स्किल है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको इस वाले पेट की स्किल समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले पेट की जो स्किल है उसको आप यहाँ पर एक गेम में सिर्फ एक ही बार यूज कर पाओगे, क्योंकि ये वाली पेट की स्किल अपन को एक एक्टिव स्किल देखने को मिल जाती है। अगर आप इस वाले पेट की स्किल को मैक्स कर लोगे तो आप इस वाले पेट की स्किल को दो बार यूज कर पाओगे एक ही मैच में। अब इस वाले पेट की स्किल कैसे काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस वाले पेट को लेके गेम के अंदर जाओगे तो क्या होगा कि आपको दो दूरबीन एकदम फ्री में मिल जाएंगी, जहाँ पर ग्लू बॉल वगैरह होती है उधर आपको दो दूरबीन देखने को मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको उन वाली दूरबीन पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप उन वाली दूरबीन पर क्लिक करोगे तो फिर आपको फायर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फायर बटन पर क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा कि एक मैप ओपन हो जाएगा, जो अपना मैप है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको जिस भी एरिया का यहाँ पर डिटेल चाहिए कि इधर कोई एनिमी छुपा है या फिर नहीं छुपा है, तो आपको उधर उसी एरिया पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर स्कैन करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना, यानी कि भाई यहाँ पर ग्रीन टिक पर क्लिक कर देना। जैसे आप ग्रीन टिक पर क्लिक करोगे वैसे ये वाला पैड आपको उस एरिया का पूरा स्कैन करके बता देगा कि इधर कितने एनिमी छुपे हुए हैं, यानी कि अगर एक एनिमी छुपा होगा तो उधर एक बता देगा, अगर एक भी एनिमी नहीं छुपा होगा तो उधर जीरो बता देगा। मतलब आप किसी भी एरिया को स्कैन करके देख सकते हो कि उधर कितने एनिमी छुपे हुए हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो इस प्रकार से ये वाला पेट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पेट पसंद आया होगा। वैसे ये वाला पेट भाई ई स्पोर्ट प्लेयर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, अपने लिए तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर रैंक पुश करते हो तो आपको भी ये वाला पेट काफी ज्यादा हेल्प करेगा। चेंजेस नंबर 6, तो चेंजेस नंबर 6 पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक फ्री फायर की बहुत ही छोटी सी चेंजेस के बारे में। अभी के टाइम में जो अपनी फ्री फायर की लूट चेस्ट होती है उसका कलर कुछ येलो टाइप का होता है, लेकिन जब अपनी फ्री फायर के अंदर अपडेट आ जाएगा उसके बाद में अपन को अपनी लूट चेस्ट व्हाइट कलर की देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपडेट के बाद की लूट चेस्ट देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की अपन को देखने को मिलेगी। बस ये वाली चेंजेस बहुत ही ज्यादा छोटी चेंजेस है, लेकिन फिर भी यार फ्री फायर के अंदर कुछ बदलने वाला है जिसके बारे में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको टट्टू नहीं मालूम। चेंजेस नंबर 8, तो चेंजेस नंबर 8 पे मैं आपको बताने वाला हूं अपनी फ्री फायर के अंदर आने वाली न्यू गन के बारे में, जिसका नाम है ट्रिगॉन। अब हो सकता है इसका नाम मैंने थोड़ा अजीब सा ले लिया होगा, क्योंकि आज के टाइम में फ्री फायर वाले जो भी चीज आ रही है उसका नाम थोड़ा यार अजीब टाइप का रख रहे हैं, जिसको यार बोलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे इस वाली गन के बारे में, तो ये गन यहाँ पर बात करेंगे तो डबल रोल में देखने को मिलेगी, यानी कि इसका जो फर्स्ट रोल होगा वो होगा कि एक गन की तरह चलेगी, यानी कि इससे गोलियां निकलेंगी, लेकिन इसका जो दूसरा रोल होगा वो क्या होगा कि इससे यार बम भी निकलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, इधर मैं यहाँ पर सबसे पहले वाले रोल को चला रहा हूँ, तो पहले रोल में क्या है कि इधर देखोगे तो इधर यहाँ पर गोलियां निकल रही हैं, तो आप यहाँ पर गोलियां भी देख सकते हैं। लेकिन इधर क्या है, जैसे अपन यहाँ पर शॉटगन पर यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये वाली शॉटगन क्या होगी कि यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर में यहाँ पर मतलब बात करेंगे तो बदल जाए। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर को यूज किया होगा ठीक उसी प्रकार से आप फिर इस वाली गन को भी ग्रेनेड लॉन्चर की तरह यूज कर पाओगे। चेंजेस नंबर 9 पर क्या है कि भाई फ्री फायर वालों ने एक छोटी सी चेंजेस कर दी। अब वो छोटी सी चेंजेस क्या कर दी है कि मान लो कि आज के टाइम में जब भी अपन यहाँ पर गन के साथ में दौड़ते हैं या फिर विथाउट गन के साथ में दौड़ते हैं तो अपना एम बिल्कुल भी नहीं बदलता है, ठीक जैसा एम होता है वैसा ही रहता है। लेकिन जब अपनी फ्री फायर के अंदर अपडेट आ जाएगा उसके बाद में क्या होगा कि जैसे अगर आप यहाँ पर गन के साथ में दौड़ोगे तो आपको पूरा एम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पर विथाउट गन के साथ में दौड़ोगे तो आपको एक यहाँ पर एम की जगह पे एक छोटा सा एक व्हाइट डॉट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अपने फ्री फायर के अंदर ये बहुत ही छोटी सी चेंजेस आने वाली जो कि सच में कमाल की चेंजेस होने वाली है। चेंजेस नंबर 10, तो भाई वो बात आ चुकी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा भाई इंतजार कर रहा था कि भाई मैं आपको ये वाली बात बताऊं कि अभी तक अपने फ्री फायर के अंदर ईवो गन्स वगैरह आती थी, AK-47 आ गई, स्कार आ गई, कोबरा MP40 आ गई, भाई बहुत ही ज्यादा ईवो गन्स आ चुकी थी। लेकिन ऐसे में फ्री फायर वालों ने एक बहुत ही बढ़िया चेंजेस ये कर दिए कि अपन को अपडेट के बाद में भाई अपग्रेडेबल यहाँ पर फीस्ट का स्किन देखने को मिलेगा, यानी कि जिस प्रकार से अपन को ईवो गन्स अपग्रेड करनी पड़ती थी ठीक उसी के साथ में अपन को फीस्ट का स्किन भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और आपके सामने ये वाला फीस्ट है जिसको अपन को यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ेगा, अगर आप खरीदोगे तो आपको यार इसको अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले फीस्ट के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर ये वाला फीस्ट देख सकते हो, Level 1 से Level 5 तक जाएगा और इस प्रकार का अपन को कुछ फीस्ट देखने को मिलेगा। मुझे तो इस वाले फीस्ट में कोई भी खास बात नहीं लग रही है, लेकिन फ्री फायर वाले फिर भी यार इस वाले फीस्ट को लाने वाले। तो ये था अपना आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और इस वाले वीडियो में मैंने आपको टॉप 10 बेस्ट चेंजेस के बारे में बताया है। तो बस आपको जो भी चेंजेस पसंद आई होगी वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना, और उसी के साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.